हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड व्हाट अबाउट योर स्टडी? आपकी स्टडी कैसे चल रही है? इट्स गोइंग वेरी वेल और एक्सीलेंट? आई होप इट्स एक्सीलेंट। एंड व्हाट अबाउट योर होमवर्क? आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है? अच्छा, टेल मी, मैम ने आपको होमवर्क क्या सेंड किया था? अगर आपने किया है तो इट मीन्स आप राइट हो, और आपने नहीं किया तो आपको पता ही नहीं होगा मैम ने होमवर्क क्या दिया था। मैम ने आपको क्या होमवर्क दिया था? लास्ट क्लास में मैम ने आपको डोजिंग टेबल्स कराए थे, तो आपने उसे किया है फिर नोटबुक में, और आपने टेबल्स लर्न किए हैं 2 to 5। तो चलिए, आज मैम का न्यू कॉन्सेप्ट है, मैम आपको न्यू कॉन्सेप्ट बताएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो मैम बताए, रिलेट्स टू मैथ, 5 × 1, ओके, लाइक 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो अगर हम 5 × 1 = 5, सो 5 0, अगर 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज 0, ओके। सो नाउ मूव ऑन टू आवर वर्क। माय टॉपिक इज नंबर नेम 11 to 15। आज हम नंबर नेम करने वाले हैं 11 to 15। 11, हाउ टू स्पेल 11, 12, हाउ टू स्पेल 12, 13, 14 एंड 15, ओके। सो इलेवन, नेक्स्ट इज 12, 13, 14 एंड 15, ओके। सो नाउ हाउ टू स्पेल 1, O-N-E-1, हाउ टू स्पेल 10, T-E-N-10, सो हाउ टू स्पेल 11, सो द स्पेलिंग इज E-L-E-V-E-N, 11, ओके, E-L-E-V-E-N, 11, 12, T-W-E-L-V-E, 12, so how to break it, 11, 12, 13, so this is the sound of th, okay, this is the sound of th, 13, so this is t, e, again e and n. I have no space, I have no blocks here, so that's why ma'am ने यहाँ पर लिखा है, but आपको blocks भी लिखना है, okay? 13, 13, T-E-N, teen, 13, next is 14, so how to spell 4, F-O, you are 14, जैसे आपने 13 में लिखा है ना, सेम ऐसे ही आपको 14 में लिखना है, 14, now next is 15, fifth, how to spell fifth, F-I-F, fifth, so F-I-F, fifth, again teen, so 15, 15, okay, so how to spell 11, E-L-E-V-E-N, 11, 12, T-W-E-L-V-E, 12, 13, T-H-I-R, T-E-E-N, 13, 14, F-O-U-R, 14, 14, 15, F-I-F, 15, 15, क्लास में देखिए 13, teen sound, 14, teen sound and 15, teen sound, like जैसे हमने बोला है 20, 30, तो इसमें हम लास्ट में TY लिखते हैं, ओके, बट दिस इज टीन, 13,
15. ओके, सो नाउ इट्स होमवर्क टाइम ना. अब आपको क्या करना है? अब आपको इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में करना है. और ओनली करना है? नो, आपको लर्न भी करना है. और जब आप इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे तो आपको साथ साथ रीड भी करना है. लाइक हाउ टू स्पेल 11. सो ELEVAN 11 ऐसे आपको लिखना है. और आपको इस वर्क को लर्न भी करना है. मैम जा रही है बट मैम वापस आएंगी और हम आगे का अपना वर्क प्रोसीड करेंगे. लाइक अभी मैम ने आपको 11 टू 15 कराए ना, नेक्स्ट क्लास में मैम आपको 16 टू 20 नंबर्स कराएंगी. ओके, सो नाउ मैम इज गोइंग बट वी विल मीट अगेन. सो सी यू लेटर.